हे गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हो कि फ्लिपकार्ट की सेल आज खत्म हो जाएगी। लगभग 12 से 13 घंटे बचे हुए हैं फ्लिपकार्ट की सेल को खत्म होने में, और ऐसे में अगर आपने अभी तक कोई भी फोन नहीं लिया है या फिर आप किसी फोन को लेकर डाउट में बने हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं फ्लिपकार्ट की सेल में टॉप 5 मतलब 10,000 से लेकर 30,000 तक की प्राइस रेंज में टॉप 5 फोन्स की लिस्ट को लेके आया हूँ, जिसमें मैंने कई सारे फोन्स को ऐड कर रखा है। उनके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक चीज़ तो ज़रूर बताऊँगा कि कौन सा फ़ोन किस वजह से आपको लेना चाहिए, क्या उसमें अच्छी चीज़ है, क्या उसमें ख़राब चीज़ है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में एक फ़ोन ऐसा भी है जो कि 80,000 रुपये में लॉन्च हुआ था, और इस टाइम पे ये फ़ोन आपको 30,000 से भी कम की प्राइस रेंज में मिल जाएगा देखने को। तो वीडियो को देखते रहिएगा पूरा का पूरा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और जल्दी से यार 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि 700 कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले फ़ोन से। ये जो फ़ोन है आपको 10 से 12 हज़ार की प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा, और अगर मैं इस सेल में बताऊं तो ये आपको HDFC का अगर आप कार्ड लगाते हो तो लगभग 11.5 से 12 हज़ार के बीच में मिल जाएगा। इससे बढ़िया फ़ोन आपको इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन है मोटो G40 फिजन, अभी जस्ट लॉन्च हुआ है कुछ ही दिनों पहले। इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से किसी भी फ़ोन में नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर माना जाता है। और तीसरी, इसमें आपको थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन मिलती है, तो सेफ्टी के हिसाब से भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा। 6000 mAh की बैटरी है, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस फ़ोन में मिलती है वो है स्टॉक एंड्रॉयड के लगभग का एक्सपीरियंस। स्टॉक एंड्रॉयड होने का मतलब ये है कि इसमें आपको 0 के बराबर आपको लगभग एड्स देखने को मिल जाएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये है। और दूसरा, आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी तगड़ा इसमें इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप 10 से 12 हज़ार की प्राइस रेंज में कोई गेमिंग फ़ोन खोज रहे हो तो आपके लिए मोटो G40 फिजन से बढ़िया फ़ोन मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फ़ोन की तरफ, और ये जो प्राइस पॉइंट है ये है 15 से 18 हज़ार के बीच में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। तो इस लिस्ट में 3 फ़ोन मैंने चूज़ किए हैं। सबसे पहला जो है वो है सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी F62। आम दिनों में ये फ़ोन जो आपको देखने को मिलता है ये 24 से 25 हज़ार के आसपास लगभग मिल सकता है, 23 भी हो सकता है, वो मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन इस सेल में ये फ़ोन आपको लगभग 16 से 17 हज़ार में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इस फ़ोन में जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो भी काफ़ी तगड़ा वाला लगा हुआ है, फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर इस फ़ोन में लगा हुआ है। कैमरा तो आप जानते हुए कि यार सैमसंग के कैमरे काफ़ी अच्छे होते हैं, सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ें अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से 16 से 17 हज़ार की प्राइस रेंज में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लेना चाहते हो तो। दूसरा जो फ़ोन इसी प्राइस रेंज में मैंने चूज़ किया है वो है पोको X3 प्रो, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसमें जो अच्छी चीज़ मिल रही है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, साथ में आपको स्नैपड्रैगन 860 प्रोसेसर मिल रहा है, तो मतलब गेमिंग के हिसाब से ये फ़ोन तो काफ़ी तगड़ा है। लेकिन इसमें कुछ कमियां ये आ रही हैं कि जैसे अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करते हो, थोड़ा सा 2 से 3 घंटे तक गेमिंग करते हो, तो इस फ़ोन में आपको हीटिंग इशूज़ देखने को मिल रही हैं। तो आप अपना देख सकते हो कि आपको हीट होने वाला फ़ोन चाहिए या फिर अच्छा खासा प्रोसेसर वाला फ़ोन चाहिए। ये तो अब मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यार अच्छा फ़ोन है, लेकिन थोड़ा सा यही प्रॉब्लम है इसमें हीटिंग इश्यूज़ हैं। हो सकता है कि आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो सके, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है अभी तक तो नहीं हुआ है। और जो तीसरा फ़ोन मैंने इस लिस्ट में निकाला है इसी प्राइस रेंज में वो है मोटो G60 फिजन, ये भी आपको लगभग सेम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएगा। और ये भी फ़ोन काफ़ी तगड़ा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा स्पेक्स है इसका, और आपको गेमिंग के लिए अगर फ़ोन चाहिए तो ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा मोटो G60, क्योंकि इसमें भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड के लगभग एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर इन 3 में से कोई एक फ़ोन आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड करता है। बढ़ते अपने तीसरे फ़ोन की तरफ, जो कि है तीसरा प्राइस पॉइंट, ये है 18 से 22 हज़ार की प्राइस रेंज वाला लिस्ट। इसमें मैंने एक फ़ोन सेलेक्ट किया है, वो है रियलमी X3
सुपर जूम। अगर आपको कोई और फ़ोन भी लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में सिर्फ यही फ़ोन मुझे देखने को मिला जो कि थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस फ़ोन को इस प्राइस पॉइंट पर लेने के लिए। अगर आप थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हो बजट तो इंक्रीज़ करके थोड़ा सा और अच्छा फ़ोन ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। ये फ़ोन है रियलमी X3 सुपर जूम। इसमें आपको प्रोसेसर काफ़ी तगड़ा मिलता है और उसके बाद इसमें आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो भी अच्छा मिलता है, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना फ़ोन है तो आपको फ्यूचर के साथ में उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाएगा, लेकिन हाँ इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही फ़ोन है, ख़राब फ़ोन नहीं है। बढ़ते अपने चौथे फ़ोन की तरफ, चौथी प्राइस लिस्ट के तरफ। ये है 22 से 25 हज़ार की रेंज और इस फ़ोन में किंग तो एक ही फ़ोन है, वो है रियलमी X50 Pro। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो इसमें आपको 5G मिल रहा है, दूसरा इसमें आपको स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर मिल रहा है, इसमें आपको अच्छा खासा कैमरा भी मिल रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस फ़ोन की, तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। तीसरा, अगर मैं इस फ़ोन की और अच्छी चीज़ों के बारे में बताऊं, तो अगर आप सोच रहे हो कि यार 5G है चलेगा नहीं, तो आप ले लो यार, अभी तो साल भर लग सकते हैं 5G आने में, लेकिन इस फ़ोन में जो बैंड्स लगे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली चांसेस इतने हैं कि हो सकता है कि जो इंडिया में लॉन्च हो बैंड्स 5G वाले, इसमें जो हैं वो सपोर्ट कर जाएं, तो हो सकता है आपके लिए अच्छा फ़ोन हो सकता है, लेकिन 25,000 की प्राइस रेंज में काफ़ी तगड़ा फ़ोन ये रहेगा आपके लिए। अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हो बजट तो थोड़ा सा और भी इंक्रीज़ करके दूसरा फ़ोन ले सकते हो, IQ7 ले सकते हो, अच्छा खासा प्रोसेसर है उसमें, अच्छा खासा फ़ोन भी है, तो आप ले सकते हो। बढ़ते अपने अगले और लास्ट फ़ोन की तरफ। ये है काफ़ी तगड़ा फ़ोन, मतलब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी बवाल मचा रहा था, लेकिन अभी भी बवाल मचा रहा है। ये फ़ोन जब लॉन्च हुआ था 80,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च हुआ था, लेकिन आज ये मिल रहा है आपको 30,000 से भी कम की प्राइस रेंज में। मैं बता देता हूँ इस फ़ोन का नाम, ये है LG Wing। इसका 8GB 128GB वेरियंट आपको 30,000 से कम की प्राइस में मिल जाएगा। और अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहले तो इसमें आपको डुअल स्क्रीन मिलती है, मतलब कहीं भी आपको इस प्राइस पॉइंट में क्या आपको अच्छा खासा अगर आप पैसा भी लगाते हो तब भी नहीं मिलेगी। सबसे पहली चीज़, इसमें आपको OLED डिस्प्ले मिलती है जो कि डुअल स्क्रीन के साथ में आती है, मतलब फोल्डेबल है, दो स्क्रीन इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। तीसरी जो इसमें अच्छी चीज़ है वो है स्नैपड्रैगन 765G जो कि एक 5G चिपसेट है, यानी कि ये एक 5G चिपसेट है। उसके बाद आपको डुअल डिस्प्ले मिल रहा है, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है, तो इस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी सही रह सकता है अगर आप लेना चाहते हो तो। अगर आपके दिमाग में ये डाउट है कि यार LG तो बंद हो चुकी है, स्मार्टफोन्स बनाना बंद कर दिया इन्होंने, लेकिन यार आप देखोगे तो सर्विसेज आपको अभी तो मिल ही जाएंगी, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर मैं इस प्राइस पॉइंट की बात करूँ तो इसमें आपको और भी फ़ोन मिल सकते हैं जो कि फ्लिपकार्ट की सेल में नहीं मिलेंगे, किसी और सेल में हो सकता है मिल जाए, अमेज़ॉन पे मिल जाए, वो है IQ7, तो वो भी इसी प्राइस पॉइंट में मिल जाएगा, काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर के साथ में आता है, काफ़ी तगड़ा फ़ोन भी है, तो आप उस फ़ोन को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर दीजिएगा।